हेलो गाइस, मैं हूँ सोनी राय वंडरफुल मॉम्स के चैनल से, और आज मैं अमित जी का इंटरव्यू लेने आई हूँ जो कि सच न्यूज जागो के ओनर हैं, और हम लोग इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, इनके विषय में बहुत सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे कि इनको कहाँ से बहुत सारी जागरूकता मिली और क्यों इन्होंने इंटरव्यू चैनल शुरू किया। तो आइए शुरुआत करते हैं, और इसके लिए मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगी अमित जी को कि इन्होंने ऐसा न्यूज़ चैनल बनाया जिसके माध्यम से आप लोगों को बहुत तरह की खबरें परोसते रहते हैं ये। तो सबसे पहले मैं अमित जी आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आपने क्या सोच कर यूट्यूब चैनल शुरुआत किया, मतलब आपके दिमाग में क्या आया? सबसे पहले तो बड़ी बात ये है कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं आप सभी को चैनल स्पर्श, और आप एक महिला होकर, मैं महिलाओं की बात इसलिए लगातार करता हूँ क्योंकि मैं हर समाज में जाता हूँ तो कहीं ना कहीं महिलाओं को रोका जाता है। यदि महिला, यदि हमारी बहन हो या हमारी बेटी हो, ए बेटा, यदि हमारी बहन हो या बेटी हो, यदि साइकिल से वो पढ़ाई करने जाती है तो बहुत से तरह तरह के कमेंट आते हैं, उन्हें रोका जाता है। तो ये सब मुझसे नहीं देखा जाता है, वहीं पे बेटा साइकिल से नहीं, वो बस से जाता है या फिर 12 बजे रात को आता है, 11 बजे रात को आता है, तो उसे नहीं रोका जाता है, ना उससे कहीं पूछा जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं नहीं देखी जाती है। रही बात कि मैं यूट्यूब पर क्यों आया, मेरा YouTube पे आने का मेन रीज़न ये है, कहीं मैं समाज में जब जाता था तो गरीब कमज़ोर असहायों को मारा पीटा जाता था, आज भी मारा जाता है, आज भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। जब मैं जाता हूँ तो कहीं कहीं देखता हूँ तो मेरे आँखों से आंसू आ जाते हैं, जब मैं कहीं कहीं जाता हूँ तो इस मामले को देखता हूँ तो मेरे नैनन, जो कहा जाता है, नैनों से आंसू आ जाते हैं, काफ़ी दुख होती है, काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए YouTube पे आया कि उनकी आवाज़ों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य करूं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे समाज में आजकल हम ऐसे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं जहां अगर कोई परेशानियों में फंसा हुआ है तो लोग उसकी समस्याओं का हल कम और मोबाइल से वीडियो बनाने में ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो मैं इसके लिए अमित जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो आगे आए बढ़कर और समाज के बारे में सोचा। मैं आपसे ये आगे पूछना चाहती हूँ कि आप कहाँ से आते हैं और मतलब ऐसी धुरंधर सोच आपके अंदर, क्योंकि ये एनवायरनमेंट का ही असर हो सकता है, तो आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए कि कहाँ से आते हैं। देखिए, मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करता हूँ, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला हूँ, और पूरा फुल परिचय देना भी उचित नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग जो हैं देश के चौथे स्तंभ हैं, लगातार हम लोग थोड़ा धाकड़ न्यूज़ बनाते रहते हैं, अब ऐसी न्यूज़ परोसते हैं, आप खुद चैनल पे आप देखी होंगी वीडियो, दिल दहला देने वाली हम लोग तस्वीर लाते हैं, जिस वीडियो को कोई नहीं बनाता है उस वीडियो को हम लोग जाते हैं बनाते हैं। अभी एक गाजीपुर में महिला को मारा गया है जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, गाजीपुर हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है, उसके भसूर के द्वारा ही जानलेवा हमला किया जाता है, और उस औरत का कहना है कि मेरे साथ अभद्रता भी हुई है, और लगातार बहुत सी बातें हैं जो मैं चैनल के माध्यम से नहीं बता सकता, अब सत्यता क्या है वो तो। चलिए, इस तरह हम लोग बहुत सारी चीज़ें अमित जी के बारे में जाना कि इन्होंने कैसे अपने सफ़र के बारे में सफ़र शुरुआत किया और कैसे एनवायरनमेंट से आते हैं। अब एक मैं आखिरी क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ कि शून्य से शिखर तक का इनका सफ़र कैसा रहा है, क्योंकि आज इनके चैनल पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और इनके चैनल को पसंद किया जा रहा है, लोग इनको पसंद कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत एक बड़ी बात है क्योंकि लोग आपको क्यों देखेंगे, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि क्यों देखेंगे। तो इनका कंटेंट ऐसा है कि लोग इन्हें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो मैं आखिरी क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ कि शून्य से शिखर तक आपका सफ़र कैसा रहा, आप इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, आप जो ये सवाल पूछ रही हैं झकझोर देने वाली बात है, और रही बात जब ये सवाल बहुत लोग करते हैं, बहुत से चैनलों पे मैं गया, सैकड़ों चैनल पे गया, और लोगों ने इंटरव्यू लिया कि सर आप इतना आगे कैसे आए, आपका सफ़र कैसा रहा, क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, और आपने भी मैम यही सवाल कर दिया। तो जब भी मैं ये सवाल बताता हूँ तो एक बार अपने दिन को याद करता हूँ, और अपने दिन को कभी नहीं भूलना चाहिए और सत्यता बतानी भी चाहिए। देखिए दीदी, आपने, देखिए मैम, आपने बात कही, बहुत अच्छा भी लगा। सफ़र का रहा बात, तो कभी मैं चलता था तो राह में बहुत से मंजर आए, बहुत से तकलीफ़ें आईं, बहुत सी कठिनाइयाँ आईं, कभी मैं जाता था तो कभी ऐसा भी समय था कि दो दो दिन, तीन तीन दिन बिना खाए पिए रहना पड़ता था, कभी ऐसा भी दिन आता था कि बहुत लोगों के पास मैं जाता था तो उनका काम हो जाता था, काम होने के बाद वो एक बार भी नहीं कहते थे कि भैया आप कैसे आए, कैसे गए, मैं नाम नहीं लेके कह सकता हूँ,
क्योंकि शायद उनको बुरा लग जाएगा। तो बहुत से ऐसे जगह आए जहाँ पे खाने के लिए भी नहीं पूछा जाता था, उनका काम भी हो जाता था और मैं वहाँ से फिर उनको न्याय दिला के आगे भी बढ़ जाता था। बहुत से ऐसे दिन आए जहाँ पे बारिश होती थी, भीगते हुए जाता था, यहाँ से बनारस तक का सफ़र करता था, बनारस से दिल्ली तक का सफ़र करता था। कभी कभी तो ऐसे भी दिन आए कि 700 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाया, उसका प्रूफ भी है चैनल पे। 700 किलोमीटर लगातार दुचक्का गाड़ी चलाना बहुत बड़ी बात है। बहुत से राह में तो हम लोग का एक्सीडेंट भी हो जाता था, तो हम लोग चोटिल भी हो जाते थे, लेकिन कहा जाता है कि जेकर राम ना बिगड़िए ओकर लोक का बिगाड़ी। जब भगवान नहीं बिगाड़ेंगे तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट भी मैंने अपने आंखों के सामने देखा है। तो वहाँ से थोड़ा सा मनोबल डाउन हो जाता था जब एक्सीडेंट मैंने देखा। कई बार हमारे साथ भी एक्सीडेंट हो गया, हम लोग भी चोटिल हो गए, लेकिन भगवान की मर्जी थी कि कहीं कुछ हुआ नहीं। अभी छोटू आरती का मैटर भी आप लोग जानते होंगे, हम लोग वहाँ गए थे करीब 650 किलोमीटर गाड़ी चला करके, तो उस राह में हम लोग का एक्सीडेंट हो गया था। हम लोग दो लोग थे और फिर हम लोग अपने ज़िले में आए और अपने घर को निवास किए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं अभी सिलसिला जो ये चल रहा है इसको समाप्त करना चाहूँगी और फिर हम लोग उम्मीद करती हूँ कि कभी नेक्स्ट टाइम मिले और ऐसे ही अमित जी से इंटरव्यू लेने का मौका मिले, इनसे बातचीत करने का मौका मिले। और जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल वंडरफुल मॉम्स को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सच न्यूज जागो को भी आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए। हम लोगों के साथ आप लोग जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट मिल सके। मैं अपने चैनल के बारे में एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मेरा बेबी अभी बहुत छोटा है और उसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल पे आकर के कमेंट कर सकते हैं जिस भी वीडियो को आप देख रहे हैं कि उन्हें कैसा कंटेंट और चाहिए और किस बारे में वो जानना चाहते हैं, ताकि मैं उस बारे में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना ये सफ़र समाप्त करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? सफ़र तो समाप्त करेंगे मैम के चैनल पे। मैं यही बोलना चाहूँगा जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं मैम के चैनल पे ज़रूर विजिट करें, इनके चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। और अब ज़्यादा क्या बताना है, चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे भगवान श्वेता रूप हैं तो वंडरफुल मॉम्स इनका चैनल है, चैनल पे विजिट करें। हमारे दर्शक लोग भी जाएं इनके चैनल पे, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है। और दीदी कुछ पूछना चाहेंगी? बस इसी के साथ अब सफ़र समाप्त करना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि इनसे नेक्स्ट टाइम हम लोग मिले और नेक्स्ट टाइम ढेर सारी बातें करें। तो इसी के साथ एंड करते हैं।